हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप फ्री फायर गेम में फ्रेंड की आईडी को सर्च कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी फ्रेंड की या फिर किसी भी फ्री फायर प्लेयर की आईडी है तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में फ्री फायर में उसे डालकर उसे किस तरीके से इसे अपनी लॉबी में बुला सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट देखना। आज की वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा और दोस्तों आपको सिखाऊंगा कि आप फ्री फायर गेम में प्लेयर की आईडी कैसे सर्च कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। दोस्तों, फ्री फायर गेम में प्लेयर की आईडी सर्च करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको अपने मोबाइल में फ्री फायर गेम को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हो मैंने अपने मोबाइल में फ्री फायर गेम को ओपन कर लिया। फ्री फायर गेम ओपन होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आप देखते हो आपको कहीं पर भी फ्री फायर प्लेयर आईडी सर्च करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो आपको सेटिंग के पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दो व्यक्ति का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आपको इस लोगो पे क्लिक कर देता है। तो हम इस ऑप्शन को ऐड ऑप्शन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे फ्रेंड की आईडी आ जाएगी जो दोस्तों आपके साथ रेगुलरली गेम खेलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आपको इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च इंटर प्लेयर आईडी। तो दोस्तों, हमें सर्च इंटर प्लेयर आईडी पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप सर्च इंटर प्लेयर आईडी पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो आईडी सर्च करना चाहते हो वो दोस्तों यहाँ पे डालें। तो दोस्तों, मैं एक फ्रेंड की आईडी है जो कि सर्च करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हो मैं उसकी आईडी डाल देता हूँ। और दोस्तों, जैसे ही आप आईडी डाल दोगे तो दोस्तों आपका फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने फ्रेंड की आईडी डाल दी है। फ्रेंड की आईडी डालने के बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने आईडी डाली थी उसका दोस्तों यहाँ पे आईडी आ चुका है और दोस्तों अभी फिलहाल ऑनलाइन है। तो दोस्तों, उससे क्या करना, ऑनलाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी फ्री फायर लिस्ट में वो फ्रेंड ऐड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। तो दोस्तों, फ्रेंड को लॉबी में बुलाने के लिए सिंपली क्या करना, आपको इस इनवाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इनवाइट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जिस बंदे का आईडी हमने अभी सर्च किया था वो दोस्तों आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हमें आईडी के सामने प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो दोस्तों हमें इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों उसके पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने रिक्वेस्ट बंदे के पास डाल दी तो दोस्तों उस बंदे ने मेरे को ऐड कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वो बंदा भी आ चुका है जिस बंदे की हमने फ्री फायर गेम में अभी आईडी सर्च की है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फ्री फायर गेम में प्लेयर की आईडी को सर्च कर सकते हो, उसकी अपनी लॉबी में बुला सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप सीखे होंगे कि फ्री फायर गेम में फ्रेंड की आईडी कैसे सर्च करें। अगर दोस्तों आप सीख गए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर दोस्तों आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। YouTube से रिलेटेड ऐसी टेक्निकल वीडियो आपको इस चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेगी।